हाय दोस्तों, आज हम रहु और मिर्गल मछली का चारा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें ब्रेड, मिल्क ब्रेड या बन भी ले सकते हैं आप, और साथ ही में बटर, अमूल बटर, सिंपल गुड़, और खास चीज ये व्हाइट, बोले तो जैसा अपना दूध होता है, दूध को गरम करिए और इसमें नींबू डालकर इसे फाड़ लीजिए, और ठंडा होने के बाद में इसको छान लीजिए तो आपको ये ऐसा ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है। और घी, देसी घी, इसे अलग करते, इसे बाद में बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले ब्रेड को चूरा कर लीजिए, और ब्रेड में मिल्क ब्रेड लीजिए, ये हो चुका है। और नेक्स्ट, अब इसमें डालेंगे अपने फाड़ा हुआ दूध, और कोई क्वांटिटी में नहीं लेते क्योंकि हर चीज कम ज्यादा होती है। ठीक है, इसे मैं मिला लेती है। और इसके बाद गुड़, और बटर, और गुड़ को थोड़ा बारीक करिए।
और ये है घी, देसी घी। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, पर है तो डालिए। शहद के जगह अपन ने गुड़ का यूज किया है, शहद भी डाल सकते, हनी। ये हो गया बाइट रहू और मिर्गन। अरे गोली में लगाइए गल में। और यही चारा अगर अपने को आटे के साथ में बनाना है तो इसे अलग कर। अगर ये पतला हो जाता है या इसकी पकड़ नहीं भी आती है तो इसमें अपन थोड़ा सा मैदा यूज कर सकते हैं। वैसे तो पकड़ आ ही जाती है, और थोड़ा नरम ही रखिए। आटा, गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, वही स्टेप, गुड़, फटा हुआ दूध। दूध अच्छा लीजिए, खराब दूध में नहीं बनाना। और बटर और घी, और इसे मिक्स कर दीजिए पानी में, जैसे भुरभुरा हो जाएगा उसमें अपन पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस चारे में पानी की गरज नहीं पड़ी है, पर इस चारे में आटे के बाद से बन गए, ठीक है। और ये जो बचा है ये चराई के लिए यूज कीजिए। और एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी तालाब पे अपन समझ लो, डैम हो या तालाब हो या नदी हो, कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो जरूरी नहीं है कि ये चारा आपका जो भी चारा हो पहले बार इस्तेमाल करें और रिजल्ट मिले। इसे दो या चार बार, कम से कम दो या तीन बार तो भी यूज करिए, और रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। ओके, और मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि हुक में किस तरीके से निकालिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये पकड़ नहीं आती है। ठीक है, बारीक मच्छी है तो बारीक मच्छी तो इसको खाना ही है, उसके साथ बड़ी भी मच्छी लेना है, ठीक है। ये देखिए, सिंगल गल खेलना है तो सिंगल गल में लगाइए, डबल खेलना है तो डबल में लगाइए, ओके। और झब्बू में भी खेल सकते हो आप, ठीक है। इसे लप लप पे भी खेल सकते हो, क्योंकि बहुत पकड़ है इसकी, आसानी से छूटेगा नहीं, ठीक है। दोस्तों बने रहिए राकेश फिशिंग, और भी अच्छे अच्छे
चारे के वीडियो चैनल पे डालूंगा, आप देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, राकेश कुशवाहा।